हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक सिन्हा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह रॉयल्टी अकाउंट्स का पार्ट 6 वीडियो है और इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन दी हुई नहीं रहेगी, ठीक है। और रॉयल्टी को कैलकुलेशन करने के लिए प्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है और इस क्वेश्चन में तो प्रोडक्शन दी हुई नहीं रहेगी। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ऑब्टेन्स फ्रॉम बी एस लिमिटेड अ लीज ऑफ सम कोल माइंस। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कुछ कोल माइंस की लीज लेता है, ठीक है। द टर्म्स बीइंग अ रॉयल्टी ऑफ रुपीज़ 15 पर टन ऑफ कोल रेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रॉयल्टी कितना होगा, 15 रुपीज़ होगा पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी कितना होगा, 15 रुपया होगा। मिनिमम रेंट रुपीज़ 75,000 पर एनम, और मिनिमम रेंट कितना होगा, 75,000 पर एनम, यानी कि हर साल आपका मिनिमम रेंट कितना होगा, 75,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। राइट ऑफ रिक्रूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ द लीज। और शॉर्ट वर्किंग रिक्रूपमेंट करने का समय फर्स्ट से 4 ईयर्स तक दिया हुआ है ना, फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ द लीज, यानी फर्स्ट से 4 ईयर्स तक हम लोग रिक्रूपमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए ईयर लिखा हुआ है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है इंटर्न्स, यानी कि उस ईयर में कितना सेल हुआ है वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2010 में 2000 टन का सेल्स हुआ था, 2011 में 3500 का सेल हुआ था, 2012 में 4800 का सेल हुआ था, 2013 में 5600 टन का सेल हुआ था और 2014 में 8000 टन का सेल हुआ था। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक, अब यहाँ पे उस सीजन में क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ था वही यहाँ पे लिखी हुई है। तो 2010 में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 300, 2011 में क्लोजिंग स्टॉक 400, 2012 में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 600, 2013 में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 500 और 2014 में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 800। देखिए गाइस, ये हम लोग क्वेश्चन पूरा कम्प्लीट हो चुका है और सबसे पहले हम लोग क्या बनानी होगी, एनालिटिकल टेबल, है ना, एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल टेबल पहले नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे ही हम लोग रॉयल्टी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो सेल दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए आउटपुट ऑल कोल रेस्ट, यानी वही प्रोडक्शन कितना उसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी जो भी सेल हुआ है उसमें प्लस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, और घटा देंगे क्या जी, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा इस तरह का, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी इसलिए लिखा हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, और इस तरह का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 फिफ्थ कॉलम का फर्स्ट कॉलम है ईयर, सेकेंड कॉलम होगी सेल्स, थर्ड कॉलम होगी क्लोजिंग स्टॉक, फोर्थ कॉलम होगी ओपनिंग स्टॉक और फिफ्थ कॉलम होगी प्रोडक्शन की, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉलम है ईयर, तो यहाँ पे देख सकते हो जो जो ईयर थी 2010, 11, 12, 13, 14 ये सब यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सेल्स, यानी कि उस ईयर में कितना सेल्स हुआ था वो लिखना, जैसे 2010 में कितना हुआ था सेल, 2000 का, 2011 में कितना हुआ था 3500 का, वही देख के यहाँ पे मेंशन कर दिए है मैंने। और थर्ड कॉलम है क्लोजिंग स्टॉक, आप देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो जो हुआ है उस ईयर में कितना का वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए 2010 में 300 का क्लोजिंग स्टॉक है, 2011 में 400 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसी करके सबको देख देख के मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप देखिए फोर्थ कॉलम में ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है नहीं, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखिए 2010 में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 300, ठीक है, यही 300 2011 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी ना, थोड़ा समझिए यहाँ पे, 2010 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 300, यही 300 2011 जब न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा 2011 वाला, तो वही 2011 ये लोग क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी, 2011 की ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाएगी, 300, समझ में आ रहा है ना। फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूँ, 2010 में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 300, यही क्लोजिंग स्टॉक 2011 यानी नेक्स्ट ईयर वाला क्या कहलाती है, ओपनिंग स्टॉक कहलाती है, तो यही 300 क्या कहलाएगी, 2011 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। उसी तरह से 2011 में था क्लोजिंग स्टॉक 400, तो यही 400 नेक्स्ट यानी 2012 के लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। उस तरह से हम लोग को यहाँ पे पहले लिखनी है, देखिए 2010 में क्लोजिंग स्टॉक तो है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लाइन खींच देंगे 2010 के लिए, ठीक है। आप 2011 का बात करें तो 2010 में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 2011 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी ना, 2010 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 300,
यही 300 2011 में आएंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक कहला जाएगी, है ना। तो यही 300 हम लोग यहाँ लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। अब देखिए 2011 में कितना थी क्लोजिंग स्टॉक, 400। यही 400 2012 के लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 400 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी। देखिए 2012 में क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 600। और यही 600 2013 के लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक 600। अब देखिए 2013 में ओपनिंग स्टॉक कितना, 500। और यही 500 2014 के लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 500, ठीक है। आई होप को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्शन की, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन कितना का प्रोडक्शन हुआ वो निकालना है यहाँ पे। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, सेल कितना 2000, क्लोजिंग स्टॉक कितना 300, ये दोनों प्लस कर देंगे 2300 2300 हो जाएगी। और ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं तो लिख देंगे वहीं पे 2300, ठीक है। प्लस करने पे यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे कुछ घटेगी नहीं, तो ये दोनों को प्लस करके मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए 2011 में सेल्स कितना 3500, क्लोजिंग स्टॉक कितना 400, तो दोनों को प्लस कर दीजिए पहले 3500 और 400 को प्लस करेंगे 3900, ठीक है। और 3900 में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे, 3900 में हम 300 घटाएंगे कितना आएगी, 3600, 3600, ठीक है। अब देखिए 2012 में देखिए सेल्स कितना है 4800, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 400, तो क्या करेंगे ये दोनों को प्लस करके इसको घटा देंगे ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह से सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखिए गाइस मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके लिख लिया हूँ प्रोडक्शन को, सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से करते आ रहे थे यहाँ पे, जिस तरह से कर रहे थे उस तरह से पूरा मैं कैलकुलेट करके ये लिख दिया हूँ। अब देखिए हम लोग का प्रोडक्शन तो निकल गया, कितना का प्रोडक्शन हुआ था वो हम लोग का यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग इसी के हेल्प से अब एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो चलिए मैं फॉर्म पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, तो चलिए एनालिटिकल बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ईयर है, उसमें मैंने ईयर लिख दी थी 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 इस तरह से। अभी यहाँ पे कॉलम है आउटपुट, तो जो अभी आउटपुट हम लोग निकाले हैं वही आउटपुट यहाँ पे हम लोग को मेंशन करनी है। तो चलिए मैं देख देखे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या क्या निकला प्रोडक्शन। 2300 यहाँ पे 2010 में प्रोडक्शन कितना हुआ, 2300 का 2011 में 3600 का, यही सब हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे देख देख करके मेंशन कर देता हूँ 2300। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में है 3600। देखिए गाइस मैंने यहाँ से पूरा पे फिलअप कर दिया हूँ आउटपुट को देख देख करके। आप देखिए नेक्स्ट कॉलम है रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी कितना है ₹15 पर टन, यानी एक टन का रॉयल्टी कितना है ₹15। तो 2300 का रॉयल्टी कितना होगा, तो क्या करेंगे 2300 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 2300 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 × 15 = 5 + 5 × 10 = 11 3 × 2 = 5 × 3 = 4 × 2 = 3 यानी कितना आएगा 34,500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34,500। फिर यहाँ पे है 2011 में कितना है आउटपुट 3600, तो रॉयल्टी क्या कितनी होगी, तो फिर वही करेंगे 3600 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से फिर से करता हूँ 3600 है और 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 6 × 30 = 0 × 3 × 5 = 15 × 16 = 18 × 6 = 3 इसको करते हैं 0 × 8 = 14 × 4 = 1 × 3 = 5 = 2 × 0 तो 54,000 आई। तो यहाँ पे लिख दूंगा 54,000। इसी तरह से पूरे भी हम लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे पूरा फिलअप कर दिया हूँ रॉयल्टी को कैलकुलेट करके। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम रेंट, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा था यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना था 75,000 पर एनम, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट कितना होगा 75,000 रुपीज़ होगा। तो वही मैंने सब ईयर में 75,000 लिख देनी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 75,000। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे मिनिमम रेंट पूरा लिख दिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग की,
तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मिनिमम रेंट जब अधिक होगी रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग होगी, और जब रॉयल्टी अधिक होगी मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होगी। तो वैसे ही कैलकुलेट करके हम लोग देख ले लिए कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है फिर सरप्लस। तो देखिए 2010 में रॉयल्टी कितना है 34,500 और मिनिमम रेंट कितना है 75,000। तो अब अधिक कौन सा है, मिनिमम रेंट अधिक है, तो जब मिनिमम रेंट अधिक है इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग होगी, है ना। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहाँ चल जाएगी, शॉर्ट वर्किंग में, है ना। तो चलिए देख लीजिए 34,500 और 75,000 का जो डिफरेंस है कहाँ लिख देंगे, शॉर्ट वर्किंग में। तो मैं घटा लेता हूँ यहाँ पे 75,000 और 34,500 घटा के देख लेता हूँ, 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, देखिए आए 40,500। तो यहाँ पे लिख दूंगा 40,500, सरप्लस तो नहीं हुई तो सरप्लस को यहाँ पे लाइन खींच देंगे। 2011 में देखिए रॉयल्टी कितना है 54,000, मिनिमम रेंट कितना है 75,000। तो फिर से अधिक कौन होगी, मिनिमम रेंट यानी फिर से शॉर्ट वर्किंग होगी। तो फिर क्या करेंगे, जो 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 डिफरेंस होगा कहाँ चल जाएगी, शॉर्ट वर्किंग में। तो फिर से निकालते हैं हमें 75,000 में घटा देंगे 54,000 को, 0 0 0 5 में 4 गया 1, 7 में 5 गया 2, 21,000 आएगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा 21,000, फिर यहाँ पे सरप्लस नहीं हुई तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे। इसी तरह से देखनी है और पूरा यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग होगी तो शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पे लिख देंगे, सरप्लस होगी तो सरप्लस लिखेंगे। इस तरह से पूरा यहाँ पे देख देख के करनी है। तो मैं पूरा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए गाइस मैंने यहाँ पूरा सरप्लस एंड शॉर्ट वर्किंग को पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे डिफरेंस जो जो भी थी, शॉर्ट वर्किंग हुई तो सरप्लस भी हुई है, मैंने यहाँ पे देख करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, क्या लिखा गया था यहाँ पे, फर्स्ट 4 ईयर्स, है ना, फर्स्ट 4 ईयर्स का हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, यानी शुरू से लेकर के 4 साल तक हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रिकमेंड। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2010 से 2011, 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 तक का हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। 4 साल बोला गया था, फर्स्ट फोर ईयर्स। तो 2010 एक, 2011 दो, 2012 तीन, 2013 चार। तो 2013 तक का हम लोग यहाँ तक देखनी है रिकमेंड, यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, यानी जो भी शॉर्ट वर्किंग हुई होगी उसको रिकमेंड हम लोग कर सकते हैं। कब तक, 2013 तक का शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सरप्लस तो नहीं है इस सब ईयर में, 2013 में सरप्लस अमाउंट है ना। चलिए रिक्रूटमेंट करते हैं, सरप्लस है तो रिक्रूटमेंट हो पाएगी। तो कितनी है यहाँ तक, क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट 4 ईयर्स बोला गया था तो क्या करेंगे, यहाँ तक जितनी भी शॉर्ट वर्किंग हुई है सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो प्लस कर दीजिए, 40,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 40,500, 21,000 प्लस कर दीजिए, इसे कितने की 500 यहाँ, 61,500। तो 61,500 में फिर हम लोग जो सरप्लस है वो लोग तो रिकमेंड कर सकते हैं इतना का, है ना। तो इतना का रिकमेंड तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतना का रिकमेंड हम लोग कर लेते हैं। चलिए 7,500 का हम लोग रिकमेंड कर लेते हैं। आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, 61,500 में जो अभी प्लस किए थे दोनों को, 61,500 आई थी, 61,500 में हम लोग कितना रिकमेंड कर लिए, 7,500 का। तो घटा लीजिए इसमें 7,500, तो कितने आई, 54,000 आई। तो देखिए जो 54,000 आई इसका तो रिकमेंड नहीं कर पाए हैं ना, ये दोनों को जोड़ने में कितना ही 61,500, ठीक है। और हम लोग का कितना यहाँ पे सरप्लस था, 7,500। तो 7,500 का तो हम लोग ने रिकमेंड कर ली, तो यहाँ पे लिख दिए, और जो दोनों प्लस किए थे 61,500 आया था उसमें से कितना घटा दिए, 7,500। तो कितना बचा, 54,000। 54,000 का तो हम लोग रिकमेंड नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी, है ना, क्या कहलाएगी, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है देख सकते हैं आप, लिखा हुआ अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, जिसका शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड नहीं हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए ट्रांसफर कर दीजिए इसको 54,000 को, इसका तो रिकमेंड नहीं कर पाए हैं, कर दीजिए यहाँ पे कितने आएगी, 54,000। चलिए हो गई, आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे सब लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गई होगी आई होप, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। जैसा कि आपको मालूम ही होगा रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो अधिक होगी वही ट्रांसफर होगी, उसी के अमाउंट ट्रांसफर होती है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2010 में
रॉयल्टी कितनी है 34,500, मिनिमम रेंट कितना 75,000, अधिक कौन है मिनिमम रेंट अधिक है तो इसी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, तो 75,000 है ना, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी 75,000। ठीक है, तो चलिए 11 में देखिए रॉयल्टी कितना है 54,000, मिनिमम रेंट कितना 75,000, तो फिर से मिनिमम रेंट अधिक है तो इसी की वैल्यू फिर ट्रांसफर हो जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में 75,000। ठीक है, 2012 में देखिए रॉयल्टी कितना 75,000, मिनिमम रेंट कितना 75,000, इसमें तो दोनों कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है तो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, 75,000 फिर से ट्रांसफर हो जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ठीक है, अब देखिए 2013 में रॉयल्टी कितना 82,500, मिनिमम रेंट कितना 75,000, मिनिमम रेंट कितना है 75,000, तो अधिक कौन है रॉयल्टी अधिक है कितना 82,500। अब देखिए 82,500 ये इसका मतलब ये नहीं कि रॉयल्टी अधिक है तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इस ईयर में 2013 में है ना, तो इस ईयर में देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हुआ है, सॉफ्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी तो हुआ है ना इस ईयर, इस सब ईयर में नहीं हुई थी, इस ईयर में हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे जो भी अधिक होगी अमाउंट रॉयल्टी और मिनिमम रेट में, यानी अधिक कौन है रॉयल्टी अधिक है कितना 82,500, इसकी में इसमें से क्या करेंगे 7,500 जो रिक्रूटमेंट हुआ उसकी वैल्यू को घटा देंगे, तो घटा दीजिए इसको 82,500 आई ना यहाँ पे, हाँ उसमें कितने घटा देंगे 7,500 बारह में 7 × 5 यहाँ पे 7, देखिए 75,000 आई। अब क्यों घटाएं बता देता हूँ मैं पहले, ठीक है, इस ईयर में सॉफ्टवेयरिंग का रिक्रूटमेंट हुई है ना, तो बस इसी रीज़न से क्या करेंगे जो सॉफ्टवेयरिंग का जो रिक्रूटमेंट की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे घटा देंगे, हम लोग का रॉयल्टी कितनी थी 82,500 और मिनिमम रेंट कितना था 75,000, अधिक कौन है 82,500, तो इसी के वैल्यू हमको ट्रांसफर कर देने चाहिए यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस ईयर में देख सकते हैं रिक्रूटमेंट भी हुआ है, तो जिस ईयर में रिक्रूटमेंट हुआ उसकी वैल्यू को क्या करेंगे घटा देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 82,500 में 7,500 घटा दी, जो मैंने रिक्रूटमेंट की थी कितना 7,500 की ना, तो इसलिए मैंने 7,500 की वैल्यू को घटा दी, तो कितनी बची 75,000, अब ये वैल्यू ट्रांसफर होगी कहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड पे। ठीक है, बस इसी रीज़न से यहाँ पे हम लोग इसको घटाए थे इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हुई थी, इस ईयर में रिक्रूटमेंट तो नहीं हुई है इसलिए हम लोग को जो इसमें ये दोनों में जो बड़ा था उसी के अमाउंट ट्रांसफर कर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों में बड़ा ये था तो इसके अमाउंट ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है बस इस रीजन से ट्रांसफर नहीं करेंगे, और इस वैल्यू को क्या करेंगे घटा देंगे, उसका जो बचेगा अमाउंट उसी को ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ठीक है, अब देखिए 2014 में मिनिमम रेंट कितनी है 75,000, रॉयल्टी कितना है 1,24,500, तो बड़ा तो रॉयल्टी ही है 1,24,500, यही अमाउंट क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ठीक है, 1,24,500, ये आपका पूरा तरह से एनालिटिकल टेबल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।